हेलो दोस्तों नमस्ते सुपरबा जय श्री कृष्ण राधे राधे माई शोल फैमिली माई व्यूवर्स माई सब्सक्राइबर्स गॉड ब्लेस यू आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आज का कभी कभी मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी तो आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं <coughs> और उनका मूड कैसा है कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए है मेल फीमेल मैरिड मैरिड सभी के लिए है तो फिर से बोलती हूँ जय श्री कृष्ण राधे राधे सुब प्रभात आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे क्योंकि कल तो मैंने वीडियो बनाया नहीं इसलिए मैं आज फिर से बोल रही हूँ <coughs> तो चलिए देखती हूँ कलेक्टिव लेवल पर वीवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए इन प्लीज गाइड करें आज सुबह शुभ क्या महसूस कर रहे हैं सेलिब्रेशन इन जस्ट प्लीज गाइड करें <laughs> कुछ लोगों का कॉल मैसेज आया है ठीक है कमेंट में लिखेंगे कुछ लोगों का कॉल मैसेज आया है या स्टेटस डीपी लग रहा है ठीक है पैसनेट न्यू स्टार्ट बहुत सारे वीवर्स जी आपके तरफ कॉल मैसेज आया है जहाँ आपने रिसीव किया है तो कमेंट में लिखेंगे स्टेटस डी कुछ भी लग रहा है ये भी लिखेंगे सेलिब्रेशन एंड रीयूनियन कर्मा नाराज कुछ इस तरफ वो नाराज है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो तो वो आपसे बात करके चीजें सही करना चाह रहे हैं कॉल मैसेज बहुत जल्द मिलने की तैयारी हो रही है री यूनियन आई एम कमिंग सुन जय माँ जय माँ जगदम्बा जय माँ काली जय माँ कामा क्या वाली नो नथिंगनेस आई मिस यू सो मच यू आ सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान आपके पार्टनर जो हैं आपके फोटो से प्यार कर रहे हैं ठीक है उन्हें निहार रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए उन्हें काफ़ी इमोशंस जग रहा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है चैरिटी ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ कर्मा कास्ट इश्यू ड्रीम तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आप ऐसे हो कि आपको कोई सपने भी आ रहे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं से है पैसनेट न्यूज स्टार्ट. तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ठीक है कुछ व्ययर्स हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपके सपने में आ जा रहे हैं या फिर आप उनके सपने में आ जा रहे हो उन्हें आप बहुत याद आ रहे हो हो सकता है कि आप इस वक्त नाराज़ चल रहे हो उनको मौका नहीं दे रहे हो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है सेपरेशन है या ऑन अप सिचुएशन है रीजंस कुछ भी हो चाहे वो थर्ड पार्टी इशू हो या पेरेंट्स इशू हो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इशू हो सकते हैं रीजन्स हो सकते हैं तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार लगभग दो कार्ड्स हैं जो ऐसे बता रहे हैं जहाँ थोड़ा स्ट्रेस प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं कर्मा एंड नो नथिंगनेस ये भी आपसे रिलेटेड ही है ठीक है तो देखिए बहुत सारे व्यूवर्स जी पहली बार कर्मा तो रिलीज करे थोड़ी सी लोगों की मदद करें चैरिटी करें ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें ये मैं नहीं कहती ये लॉ ऑफ कर्मा कहता है तो भाई आपके पार्टनर जो आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं कुछ विवर्स या तो आप उनके सपने में जा रहे हो या ये आपके तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा फैंटेसी कर रहे हैं जैसे कि हनीमून, आई मिस यू सो मच यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, ड्रीम तो कुछ ऐसी एनर्जियाँ हैं जो आपके पार्टनर जो हैं आपके तरफ काफ़ी अटैचमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपसे चाहत भरी एनर्जी के साथ वो आपसे प्यार करना चाहते हैं देखिए आप उनका ख्याल रखते हो प्यार दे, दे प्यार देते हो उनका ख्याल रखते हो उनके दुख दर्द को आप बांटते भी हो उन्हें आप अंतर आसमा से प्यार करते हो उन्हें हीलिंग प्रोवाइड करते हो तो कहने का मतलब आप जिंदा दिल इंसान हो तभी तो आपसे वो प्यार मिलता है तो इनके अंदर वो पावर आती है यानी कि आप में अट्रैक्शन काफ़ी है जिससे वो आप पे प्रभावित होते हैं ठीक है लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपके पार्टनर जो हैं अकेले रहना पसंद करते हैं ठीक है नो नथिंगनेस तो जब अकेलापन रहने की एनर्जी आती है तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं और अपने अंदर ही ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिजिकल लेवल पर भी आपके पार्टनर जो हैं आपको मिस कर रहे हैं शायद आप नाराज हो जैसे किसी और ने मना लिया मैं एक ही चीज़ क्या बोलूँ मैं ऐसे ही बता देती हूँ हो सकता है डेस्टिनी में कुछ कर्मा लिखे हैं या डेस्टिनी में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं या डेस्टिनी में आप दोनों मिलना चाहते हो यहाँ कास्ट इशू आ रहे हैं या डेस्टिनी में आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन है जो थर्ड पार्टी आ रहे हैं तो बापू यहाँ प्रॉब्लम्स तो दिख रहे हैं कर्मा कास्ट इशू थर्ड पार्टी इशू इसीलिए आपको क्या करना चाहिए चैरिटी ताकि आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें और जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतना ही आपके किस्मत चमकेंगे तो आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सेलिब्रेशन री कॉल मैसेज बहुत सारे व्यूअर्स आपके तरफ कॉल मैसेज आया है ठीक है और जिनकी जिनके एनर्जी में कॉल मैसेज आया है या स्टेटस लगा है प्लीज़ आप जरूर कमेंट में लिखें और कुछ वर्ष आपके पार्टनर मेंटली एंड फिज़िकली वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं लेकिन इनके मन में है कि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है हो सकता है उनको लग रहा है किसी और ने मना लिया हो तो प्यार इनको नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलना चाहिए खुलकर जी नहीं पा रहे हैं खुलकर मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं खुलकर आपको देख नहीं पा रहे लेकिन सो कर रहे हैं आपको सो क्या कर रहे होंगे आपको द फूल मतलब फन मस्ती मज़ा और ईगो बट ऐसा है नहीं देखिए ये पर्सन लॉजिकल कह सकते हो डिसीज़न लेना चाह रहे हैं या फिर देख लीजिए किसकी एनर्जी है फायरी एनर्जी भी है तो देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में ये बता रहा है कि उनके मन की संतुष्टि नहीं मिल रही ठीक है ये पर्सन कहना चाहते हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इस वक्त अपने आप को और आपको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये डीप कनेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं बहुत डीप बहुत गहरी बहुत डार्क ठीक है उस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं जहाँ वो इस रिश्ते को लेकर वो सोच रहे हैं लेकिन अगर आप उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हो चांस नहीं दे रहे हो तो शायद उनके मन में थोड़ी निगेटिविटी है जो इनके मन को बार बार दौड़ आती है अगर आप बात नहीं करते हो ना, तो भाई कोई और तो नहीं है या फिर आप मैरिड हो आपकी फैमिली है कमिटेड हो ये भी हो सकता है किसी और ने मना लिया हो तो जब आप मौका नहीं देते हो तो इनके दिमाग में निगेटिविटी आती है लेकिन चाहत भी यहाँ दिख रही है ये कह रहे हैं मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके विश्वास को जीते और आप दोनों की बात मुलाकात हो रियूनियन हो ठीक है लेकिन यहाँ पे है नो नथिंगनेस और कर्मा और नाराज वाली एनर्जी तो ये क्या है कहने का मतलब आपसे बात करने का दिल कर रहा है और दिल से भी आज इस एनर्जी में चाहत बढ़ रही जहाँ काफ़ी सोच रहे हैं आपको लेकर रिलेशनशिप को लेकर डीपली ये सोच रहे हैं देखिए सोच में बहुत चीज़ें चेंज आ है क्या सच बात है कि जब आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है डाउट हो रहा है थर्ड पार्टी हो पेरेंट्स हो तो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो विश्वास तो यहाँ डगमाया गया है विश्वास की कमी से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं विश्वास कब कहाँ टूटता है जहाँ आप दोनों के बीच में चाहे थर्ड पार्टी हो पेरेंट्स हो या आपसे छुपा रहे हो तो क्या पहले वाला दिन आ सकता है वो पहले पुराने दिन आ सकते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी तो ये काफ़ी सोच रहे हैं पहले वाली बात हो पाएगी वो पहले वाली आपसे मोहब्बत मिल पाएगी क्या पहले वाली वो रिस्पेक्ट मिल पाएगी वो क्या पहले वाली आपके दिल में जो इज्जत थी रिस्पेक्ट थी वो मिल पाएगी तो देखिए कभी कभी आपके पार्टनर अपने गलतियों को भूल जाते हैं जब उनकी चाहत बढ़ जाती है चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो या इनको बहुत नीड हो ठीक है या इनके लिए ब्रेकअप ब्रेकअप कॉल आ रहा हो डिवाइन के तरफ से तब आपकी नीड होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है मतलब शुरू हो जाती है वहाँ पर नीड आपकी अब ये आपको अचानक से इतना प्यार करने लगे हैं मिस करने लगे हैं और कॉल मैसेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं हेडक इसलिए है थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ मिस भी कर रहे हैं नो नथिंगनेस की एनर्जी कर्मा भी है सेलिब्रेशन भी है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन कुछ पुराने दिन को याद कर कर फिर से वापस वो अच्छे दिन लाना चाहते हैं ठीक है हो सकता है ये सोचते हैं परेशान होते हैं हेडक भी होता है लेकिन बैलेंस तो ये कर लेते हैं लेकिन इस रिश्ते में भी बैलेंस लाना चाह रहे हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें क्योंकि यहाँ ड्रीम की एनर्जी है या इनके सपने हैं आपसे रिलेटेड फैमिली बनाना फ्यूचर प्लानिंग कमिटमेंट हो मैरिज हो या आपका साथ हो तो सपने सपने भी देख रहे हैं आपको लेकर या ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर लेकिन सपने से रिलेटेड यहाँ एनर्जी है लेकिन ये शुरुआत कैसे करें क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही आज आपके पार्टनर की एनर्जी में बताया कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो और बहुत ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट और खास हो ठीक है चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो जो भी हो तो समय जैसा आपके पार्टनर को फील करा रहा है वो आपको यहाँ पे एक खूबसूरत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ देख रहे हैं क्योंकि उन्हें आप पर प्यार आ रहा है बेशुमार क्योंकि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंड कास्ट इश्यू इस पर्सन ने कभी चाहा था कि वो आपके साथ आगे बढ़े आपके साथ सपना देखें सपने को पूरा करें और ये कहना भी चाहता है मैंने चाहा था भी हो सकता है मैं तुमसे दूर जाऊं। इन्होंने कभी चाहा भी था कि वो आपसे दूर जाए लेकिन ऐसा कहाँ हो पाया वो और कभी करीब आते जा रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे और करीब आ रहा हूँ लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे जिस एनर्जी की वाइब्स मिल रही है यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस एनर्जी के अनुसार आप अपने लाइफ में सेल्फ लव बैलेंस और अपने काम पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो लेकिन उनके नज़र में आप इस वक्त जिस तरह अपने ऊपर काम कर रहे हो आप ज़िंदा दिल इंसान हो ठीक है आप जब भी उनके साथ रहते हो इनके आसपास इनके अंदर बहुत शांति वातावरण रहती है लेकिन शायद इन्हें आपका प्यार अटैचमेंट अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और आपको लेकर जितना ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि ये मिलना चाह रहे हैं सेलिब्रेशन और रीयूनियन की एनर्जी भी है ठीक है कॉल मैसेज की एनर्जी है तो मुझे लग रहा बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं ठीक है हो सकता है वो आपके साथ डेट पे जाए, लंच करें जो भी हो लंच करें डिनर करें जो भी करें इनकी इच्छा हो रही है सेलिब्रेट करने का लॉन्ग ड्राइव पे जाने का हाथों तो में हाथ डालकर बात करने का जो वो मिस करें वो आपको हक कर कर प्यार कर, कर अपनी एनर्जी को हिल करने का अपने सपने को पूरा करने का मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन रीयूनियन कॉल मैसेज तो यहाँ पे बहुत सारी हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ट्रैवल भी किया है ठीक है हो सकता है चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो ऐसे मैं जैसे इन्जॉय करने की बात करी सेलिब्रेशन की नॉट फ्लाइट वगैरह ट्रेन वगैरह की बात मैं नहीं करी बाई ट्रेन ये सब नहीं जैसे हुआ टू व्हीलर हुआ फोर व्हीलर हुआ उसकी मैं बात कर रही हूँ हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं घूमे हैं फिरे हैं खाना खाया है हाथों तो में हाथ डालकर फ्रंट सीट पे बैठा है या बैक सीट पे बैठा है जैसे भी बैठा है तो यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी में कुछ पुराने दिन को याद कर रहे हैं और याद कर कर फिर से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर सोच रहे हैं मुझे इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर आपके साथ एक घंटा दो घंटा नहीं जीना चाहते हैं कुछ लंबा कुछ लॉन्ग टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं ठीक है शायद उन्हें ऐसा भी लग रहा है याद कर रहे हैं पुराने दिनों को और ये पर्सन लगता है जैसे कहीं दूर लेकर वो आपको चले जाए आप हो वो हो तीसरा कोई ना हो क्योंकि थर्ड पार्टी भी है और कास्ट इश्यू भी है क्योंकि नो no नथिंगनेस की के एनर्जी है तो आपके पार्टनर आपकी मुस्कुराहट को आपको अच्छे से देखना चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं और पैशनेट न्यू स्टार्ट की एनर्जी है यहाँ पर लिब्राइक नाइक एनर्जी है पाइस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है लिब्राइक पाइस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है और एरिस लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है टॉरस वर्गो की एनर्जी है सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं रही बात आप दोनों के बीच में तो कुछ के लिए थर्ड पार्टी इशू है और कुछ के लिए कास्ट इशू है लेकिन कुछ सपने हैं उनके आज भी जो हो रहे हैं पनप रहे हैं अगर ये सपना पहले था और उन्होंने इस सपने पे काम नहीं किया खुलकर आप से इजहार नहीं कर पाए तो ये पर्सन अब ये सपने को पूरा करना चाहते हैं या फिर ये सपना देख रहे हैं या आप सपना देख रहे हो खुल कर जीना चाहते हैं वो मुस्कुराहट वो एहसास महसूस करना चाहते हैं ये पर्सन खूबसूरत एहसास कर रहे हैं आपके साथ लेकिन नाराज़ कुछ इस तरह वो नाराज़ है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो तो थोड़ी निगेटिविटी इनके मन में है बाबू क्योंकि कभी कभी इंसान जब अपने आप पर काम करता है सेल्फ रिस्पेक्ट करता है उसकी अहमियत को कम करने लगता है तो उसे क्या लगता है कि आप जैसे इंसान को तो कोई भी पाना चाहेगा लेकिन कहीं आप उनके साथ चिट तो नहीं कर रहे हो कहीं आप किसी और के साथ सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हो किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हो या आप मैरिड हो या कमिटेड हो कुछ भी हो सकता है आज आपके पार्टनर जिस तरह से पैशनेट एनर्जी के साथ आपको याद कर रहे हैं सच में तुम यूनिक पर्सन हो और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कंटिन्यू लगातार सोचे जा रहा हूँ या सोचे जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कोशिश तो की है तभी आप बदले हो तभी ये एनर्जी यहाँ पे आई है तो ये आपसे अगर दुनिया बना भी रहे थे तो काफ़ी इन्होंने संघर्ष को देखा है चैन नहीं है संतुष्टि नहीं है आपका ख्याल उन्हें बार बार आ रहा है आप ये बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन इस बीच में कर्मा थर्ड पार्टी कास्ट इश्यू, ठीक है और आप लोग आप दोनों के सपने तो देखिए बाबू यहाँ पे एक कार्ड आप लोग के लिए भी आया है चैरिटी ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ कर्मा मैं तो कहना चाहूँगी कि आप लोग करें बाकी आगे आपकी इच्छा ठीक है तो ये पर्सन जो है इनकी चाहत बढ़ने लगी है बहुत डीप कनेक्शन बहुत डीप लेवल पर आपको आज महसूस कर रहे हैं लेकिन चाहत को पूरा करना चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं हुआ है उन्हें एहसास हो आप एक जिंदा दिल इंसान हो रहा है उन्हें आपसे प्यार हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट उन्हें अच्छी लगती है और ये एनर्जी उनको फील करा रही है यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान तो नाराज मत होइए इनको डाउट हो रहा है वो सारे डाउट क्लियर कीजिए तो ये पर्सन जो हैं आपके तरफ बढ़ रहे हैं रीयूनियन आई एम कमिंग सुन कॉल मैसेज एंड सेलिब्रेशन हनीमून नो नथिंगनेस यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान तो ये कुछ लोग के चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आ रहे हैं या फिर कुछ लोग के चांसेस ये भी हैं कि आप लोग में बातचीत हो गई हो क्योंकि वॉटम द डेक से है पैशनेट न्यू स्टार्ट ठीक है तो हनीमून है प्यार है चाहत है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ये ये एनर्जी डिप कनेक्शन की एनर्जी है ठीक है यहाँ पे बहुत दिल से आपके पार्टनर सोचें रहे हैं यहाँ पर दिमाग की एनर्जी नहीं है ठीक है ये दिमाग की एनर्जी नहीं है क्योंकि ये मैसेज भी है ठीक है जो कहना चाहते हैं जो चलती है एनर्जी में तो ये मैसेज है जो डिप अंतरात्मा से निकली हुई है रूहानी ठीक है तो आप लोग ब्लैसिंग्स अट्रैक्ट करें चैरिटी करें बाबू ठीक है और लाइफ में आगे भी बढ़ें लेकिन जो सेल्फ लव कर रहे हैं ठीक है करते रहिए अपनी रिस्पेक्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ठीक है मेरे गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए तारे तू तारे तुरे सोहा ओम तारे तो धरे तुरे शोहा ओम तारे तू तारे तुर सोहा ओम तारे तो तरे तुरे सोहा अच्छा आपके पार्टनर बेचैन हैं दुखी हैं तेरे बिना भी क्या जीना ओ सा तेरे रे इसीलिए इतने डार्क एनर्जी में है आपके पार्टनर आई 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 तेरी याद आई तेरी याद में सारी दुनिया भुलाई आई 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 तेरी याद आ सेवन ऑफ थोड़ा कन्फ्यूज हैं जैसे लग रहा है कि जैसे आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है या आप किसी से फ्लट कर रहे हो आप किसी से बातचीत कर रहे हो देखिए इनके मन में ऐसा है ठीक है एनर्जी आप देख लीजिए कितने लॉस वाले नाइन ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी देखिए दुआ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए बस एक मुलाकात और बात हो जाए और आपका प्यार वही से प्यार वो एहसास मिल जाए आ गया फूलों के इनके इस एनर्जी पे मत जाइएगा बिखरे हुए हैं सो कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहे है इन्हें द एम्पर एंड किंग ऑफ सोर्ट्स आई 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 देखिए आप उनका सपना है उनका एक सपना है कमिटमेंट डाइवल बैलेंस उदासी देखिए बैलेंस तो करना चाह रहे हैं ड्राइवल की एनर्जी भी आ गई है तो देख लीजिए क्या लॉस से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर पार्टनर की एनर्जी आप देख सकते हो कि इनके हालात कैसे हैं फाइव अपल्स बहुत डार्क एनर्जी है एक टूट चुके हैं बिखर चुके हैं कहा इस एनर्जी पे आप कभी मत जाइएगा ठीक है क्योंकि इस एनर्जी के का, कार्ड्स के अनुसार ये सिर्फ दिखावा है दयाम्ब्र की एनर्जी खोखले हैं टूटे हुए हैं बिखरे हुए हैं प्रेयर प्रार्थना गॉड से भीख मांग रहे हैं आपको इस रिश्ते को सिक्स ऑफ वन जजमेंट टेन ऑफ कब्स प्रेयर प्रार्थना सब कुछ चल रहा है फाइनेंसली भी प्रॉब्लम्स है मेंटली भी लॉस है फैमिली भी से लॉस है हर तरह से आपके पार्टनर लॉस से गुजर रहे हैं और आपसे स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपको पाना चाह रहे हैं आप उनको संभाल लीजिए संघर्ष कर रहे हैं आपके पार्टनर के ज़िंदगी में संतुष्टि नहीं है फियर भी है ठीक है शायद अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे अगर इस एनर्जी में है आपके पार्टनर तो कभी मत समझिए कि ये इनके ईगो में है नहीं इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए प्यार है आपका साथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे चाहे आप लोग के बीच में कास्ट इशू हो एज गैप हो रिलीजन इशू हो या कुछ भी हो छोड़ूंगा ना साथ तेरा जन्मों का है ये रिश्ता तुम चले आओ तुम चले, आओ, तुम चले आओ तुम चले आओ तुम चले आओ तो आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में हैं अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं जो आपके साथ है कुछ तो ये ढूंढ रहे हैं जहाँ आपके लिए रास्ता निकाल रहे हैं आज इनके अंदर जलसी नहीं है पाने की तरफ और चाह है क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आपके अंदर विक्ट्री सक्सेस एंड पावर बढ़ा है तभी ये एनर्जी आती है अब उनको क्या महसूस होता है जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है करेज पावर बढ़ती है सोच बदलती है तो बस इनके मन में क्या होता है कंफ्यूजन या ऑप्शन ठीक है तो देखिए मदर यूनिवर्स आपके साथ हैं बस अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ना है मैनिफेस्टन करते रहना है खुद के लाइफ में भी बैलेंस करना है ताकि आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ हो ग्रोथ हो और आपकी वैल्यू भी हो रिलेशनशिप में ठीक है तो यहाँ पे हम्म मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का फ्यूचर आपसे रीयूनियन आपसे कमिटमेंट इस रिश्ते में विक्ट्री और जजमेंट प्रेयर और प्रार्थना और डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे व्यूअर्स आपकी जो एनर्जी है ये यहाँ की एनर्जी कुछ और हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप स्पिरिचुअल की गहराई में भी उतरे हो ठीक है आपने पास्ट कनेक्शन के बारे में जाना है खुद पर काम करना सीखा है उतार चढ़ाव आपके जीवन में भी हो सकता है बट कहीं ना कहीं आप इनर पीस से जुड़ रहे हो ठीक है या फिर इस एनर्जी के अनुसार आप इस पिछल की गहराई में उतरने वाले भी हो ठीक है तो मैं देख रही हूँ कि आप ब्लेस्ड हो डिवाइनली गाइडेड हो और आपके पार्टनर की चाहत आपके प्रति बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो ये कंफ्यूज ज़रूर है कि भाई क्या वो मुझे प्यार रिस्पेक्ट मिलेगा या आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपको अपना ब्लेसिंग्स भी मांग रहे हैं और सबसे बड़ी बात टेन ऑफ कप्स एंड दैरोपेंट आपके साथ फ्यूचर एंड कमिटमेंट देख रहे हैं ठीक है यहाँ पे विक्ट्री प्यार कहा जाता ना इंसान जब टूट जाता है तो गिड़ गिड़ाता है भीख मांगता है वो आपके सा, आप सामने नहीं कहता है पीठ पीठ पीछे देख लीजिए चाहे वो किसी से जानकारी ले रहे हैं चाहे कोई मंदिर टेम्पल जो भी हो इस गुरु से अपने हालात को देख रहे हैं लॉस की एनर्जी में है उदास परेशान है हार चुके हैं लेकिन गिर गिरा रहे हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में आप चाहिए हर हाल में आप चाहिए ये यह यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको पाने के लिए ये प्यार की भीख मांग रहे हैं और देखिए किस तरह ये प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं आप गौड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एंड जजमेंट एंड टेन ऑफ कॉल द लवर्स ट्रैवल दिख रहा है आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन थर्ड पार्टी है लॉस काफी हो रहा है इनके जीवन में कहा ना संतुष्टि नहीं है बैलेंस नहीं है इनके लाइफ में और बहुत डीप गहराई में आज आपके पार्टनर है बहुत डीप गहराई में है आज यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप स्ट्रांगली प्योर सोल हो बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो सिक्स और सिक्स और सिक्स नंबर बैलेंस चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं सिक्स नंबर देख लीजिए यहाँ पे सिक्स नंबर आया है सिक्स नंबर सिक्स नंबर सिक्स नंबर बहुत स्ट्रांगली कॉम्प्रोमाइज बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर फाइव नंबर इम्पॉर्टेंट है और सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए इस वक्त सेवन नंबर दिख रहा है ठीक है तो मैंने आप लोग को गाइड किया था ना कि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर दो तो एक दिन का नहीं है सिर्फ आपको एट एट नहीं लिखना है सिक्स सिक्स नहीं लिखना है फाइव फाइव नहीं लिखना है ये एंजल नंबर होते हैं जहाँ आपको ये नंबर्स लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू कहना है इसके बाद कुछ भी कमेंट में लिखते हो, उसको लिखिए लेकिन उसके बाद जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो एंजल नंबर आप देख रहे हो उन्हें लिख कर थैंक यू यूनिवर्स लिखिए ठीक है थैंक यू एंजल लिखिए नहीं तो नंबर लिख लीजिए और उसके बाद आपको क्या लिखना है थैंक यू यूनिवर्स जैसे कि वो आपके विश पूरी हो गई होने वाली नहीं है वो विश पूरी हो गई देखिए मैं तो कहूँगी बहुत सारे व्यूअर्स आपको डोनेट करना चाहिए या आप कोई स्परिचुअल गुरु से कोई पंडित जी हैं या आप कोई स्परिचुअल गुरु से हेल्प ले रहे हो उनको भी डोनेट कीजिए ठीक है आपके लाइफ में विक्ट्री आएगी रिश्ते में बैलेंस आएगा करेज आएगा हिम्मत आएगा चैरिटी ब्लेसिंग्स लॉअप करना या फिर आप किसी को भी डोनेट करते हो आपकी दिली इच्छा जहाँ हो रही है जितनी भी क्षमता है आप हेल्प कीजिए डोनेट कीजिए चैरिटी कीजिए ठीक है क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ने वाली है या गहराई में उतरने वाली आपकी बड़ी है जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ पैशनेट प्योर सोल मस्त एनर्जी दिखाई दे रही है या आप में तब्दीली हुआ है या फिर ये तब्दीली बदलाव आने वाला है क्योंकि ये एनर्जी दिखा रही है जो कार्ड से उसके अनुसार ही ये आपकी एनर्जी क्योंकि आपने कुछ अपने आप को इम्प्रूव किया है ठीक है और डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए जब भी कमेंट में आप कुछ भी लिखें लेकिन उसके बाद कम से कम इन्फिनिटी लगा सकते हो एंजल नंबर लगा सकते हो उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स मतलब कि वो चीज़ आपको मिल गया है और एक दिन से नहीं होता है आपको हर दिन लिखना चाहिए जब आप लिखना शुरू करते हो वो चीज़ ऐसे लिखना कि वो चीज़ आपको आज मिल चुकी है तब वो डिवाइन यूनिवर्स आपको वो देते हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है ये होता है ठीक है मैनिफेस्ट करने का तरीका ठीक है तो मैं वही समझा रही हूँ तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जिस तरह प्यार बैलेंस चाह रहे हैं जिस तरह की हालात हैं यहाँ तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जैसे लग रहा कि भाई मुझे मेरे प्यार को लौटा दे मुझे मेरे प्यार को लौटा दे और मैं भी कहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को उनके साथ न्याय हो जस्टिस हो क्योंकि दैरो फ्रेंड भी आया जजमेंट भी आया है तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने अपने खुद के लिए भी जजमेंट करना शुरू किया है लेकिन यहाँ आप चैरिटी जरूर करें ठीक है बहुत ज़्यादा भी नहीं थोड़ा ही बहुत जितना सक्षम हो करो जरूरी है लॉब कर्मा ये कहता है और देख चिंता मत करो कि मैंने उसे दस रुपया दिया मुझे रिजल्ट नहीं मिला कभी नहीं भूल जाना उसे वो वापस कभी नहीं आएगा वैसे देखकर खुशी खुशी खुश हो जाओ और बोलो कि भगवान ईश्वर मुझे इतना दे कि मैं किसी को दे सकूँ भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी को दे रहा हूँ या दे रही हूँ इस तरह बोला जाता है ठीक है और आगे बढ़िए तो ये बाबू आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर्स की बैलेंस चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं आपके बिना बिखर रहे हैं टूट रहे हैं लाइफ में उथल पुथल है बेचैनी है हार चुके हैं चाहे वो काम हो बिजनेस हो मेंटली हो फिजिकली हो या इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स हो या थर्ड पार्टी हो बैलेंस बिल्कुल नहीं है अब हर हाल में ये आपको पाने के लिए तरप रहे हैं चाहे वो कमिटमेंट हो फ्यूचर प्लानिंग हो या इनका सपना हो देखिए किस तरह देख लीजिए दोनों हाथ देख लीजिए जजमेंट और विक्ट्री में तो ये बातचीत कर सकते हैं मिलने आ रहे हैं घबराइए है नहीं और सिक्स नंबर सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है फाइव नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ठीक है ये मिनट घंटे सेकंड और दिन भी हो सकते हैं बट प्रेयर प्रार्थना करते रहिए मैनिफेस्टेशन करते रहिए ठीक है तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू